हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियसली हमने देखा था कि कैसे सीक्वेंस कंपोनेंट कैसे यूज़ होते हैं असिमेट्रिकल फोल्ट के लिए। तो आज हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन, अगर ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करना है उसके पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड ज़ीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस में तो कैसे कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो उसका पॉजिटिव सीक्वेंस रिएक्टेंस होता है उसको हम एक्सेस माइनस एक्सएम, ये एक्सेस क्या है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ रिएक्टेंस, और एक्सएम है म्यूचुअल रिएक्टेंस, ठीक है। अगर उसको जेड वन के फॉर्म में लिखना है तो जेड वन इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम। सेम नेगेटिव सीक्वेंस भी उसका सेम होगा, एक्सेस माइनस एक्सएम। ओनली डिफरेंट होगा उसका जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस, वो एक्सेस प्लस टू एक्सएम होगा, ठीक है। तो जैसे हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंस है वो जीरो सीक्वेंस में ज़्यादा है, ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस में रिएक्टेंस ज़्यादा होने से क्या होगा कि उसका जो जीरो सीक्वेंस करंट होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस करंट के कंपेयर में कम होगा, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस हमने रिप्रेजेंट किए उसको अगर फिगर में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे तीन कंपोनेंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन लाइन, और फिर अगर ट्रांसफॉर्मर की बात करें, पावर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मर भी होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है, जेड वन एंड जेड टू इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, जेड एल के इक्वल, ठीक है। मतलब जो उसका इम्पीडेंस होता है उसके इक्वल होता है। पर उसका जो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट होता है वो डिफरेंट होता है इससे। तो जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट क्या होता है देखते हैं हम लोग। अब जीरो सीक्वेंस जो उसका कंपोनेंट होता है वो डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टार कनेक्टेड है या फिर डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर वो स्टार कनेक्टेड होगा तो फर्स्ट हम फिगर में जैसे देख सकते हैं कि एक जेड जीरो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है हमने, और यहाँ पे चार स्विचेस जैसा लगा है, एक दो तीन और चार। तो ये स्विचेस इसलिए है कि अगर हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम स्विच वन और स्विच टू को ही ध्यान में रखेंगे, थ्री और फोर का हमें कोई काम नहीं है। मतलब जब हम स्टार कनेक्शन, अगर अपना स्टार कनेक्टेड कोई ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, तो उसमें हम स्विच वन और टू को ऑपरेट करके उसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो अगर स्टार कनेक्शन है विद ग्राउंड है, अगर विद ग्राउंड मतलब जो स्टार कनेक्शन होता है उसका स्टार कनेक्टेड जो पॉइंट होता है वो अगर ग्राउंड से कनेक्टेड है, चाहे वो कोई डायरेक्टली कनेक्टेड हो या फिर कोई इम्पीडेंस के थ्रू कनेक्टेड हो, तो उन सभी में क्या होता है कि ये स्विच वन और टू क्लोज होगी अगर स्टार, जो स्टार कनेक्शन है वो ग्राउंड है। अगर नहीं है तो ये दोनों स्विच वहाँ पे क्या होगी, ओपन होगी, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इसका सीक्वेंस रिएक्टेंस रिप्रेजेंट करना है तो इस साइड हम प्राइमरी रखेंगे और इस साइड हम सेकेंडरी बोलेंगे, ठीक है। अगर अपना ट्रांसफॉर्मर डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है, तो फिर हमको वन और टू स्विच को छूना नहीं है, ठीक है। उस वक्त हमको थ्री और फोर का ध्यान रखना है। अब थ्री और फोर कब क्लोज होगी, कि जब डेल्टा कनेक्शन होगा। तो अगर डेल्टा कनेक्टेड है ट्रांसफॉर्मर आपका, तो थ्री एंड फोर को क्लोज कर देना है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो वन और सेकंड स्विच जो होगी वो स्टार कनेक्शन के लिए होगी, और थ्री और फोर जो स्विच है वो डेल्टा के लिए होगी, ठीक है। तो ऐसे हम जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ट्रांसफॉर्मर का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सब किस लिए है, पर आपको जब आप सॉल्व करोगे, उसके एग्जांपल सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फाइंड करना है, मतलब फोल्ट करंट फाइंड करना है, या कोई भी उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, तब ये सर्किट्स और इक्वेशन आपके काम में आएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, उससे पहले ये समझ लो कि जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है, मतलब फोल्ट कंडीशन आती है, और आपका जो स्टार है, जो स्टार वो ग्राउंडेड है, ठीक है,
तो उस टाइम में क्या होगा कि आपका जो न्यूट्रल में जा रहा है करंट है, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल में जो करंट जा रहा है वो क्या होगा, 3 times जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट वाला करंट होगा। ठीक है, तो उसका एक और मतलब भी होता है कि जैसे न्यूट्रल करंट क्या होता है कि स्टार कनेक्टेड होता है तो न्यूट्रल करंट इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, तीनों करंट का सम होता है जो न्यूट्रल में से जाता है। ठीक है, तो अगर ये आई एन को हम यहाँ पे पुट कर दे और आई जीरो को यहाँ पे मैन बना दे तो हमको मिलता है कि भाई 1/3 ऑफ आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी होगा। ठीक है, तो इसका एक और भी मतलब होता है कि इम्पीडेंस जो कनेक्टेड होता है बिटवीन स्टार पॉइंट एंड ग्राउंड, अगर आपने स्टार पॉइंट को ग्राउंडेड किया है थ्रू एनी इम्पीडेंस तो, और अगर वहाँ पे कहीं पे फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो भी इम्पीडेंस आपने कनेक्ट किया है वो रिफ्लेक्ट होगा 3 times इन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, तो जब आप उसका जीरो सीक्वेंस वाला फिगर ड्रॉ करने जाएंगे तो जो भी इम्पीडेंस हमने कनेक्ट किया है वो 3 times रिफ्लेक्ट होगा उसकी फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि भी यहाँ पे एक जनरेटर है। ठीक है, पहले एक जनरेटर है, जनरेटर का एक वो जनरेटर स्टार कनेक्टेड है, नॉर्मली जो सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं हमारे वो स्टार कनेक्टेड होते हैं, तो जो स्टार कनेक्टेड है प्लस उसका जो स्टार पॉइंट है उसको हमने ग्राउंड किया है 0.25 ओम के इम्पीडेंस से। ठीक है, तो अब एक्स जीरो यहाँ पे क्या है, एक्स जीरो भी है एक, तो एक्स जीरो 0.03 है। ठीक है, उसका दिया गया है हमको, और एक स्टार पॉइंट भी हमने इम्पीडेंस के थ्रू उसको ग्राउंड किया है। ठीक है, तो जब इसकी बात करेंगे कि भाई जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे ड्रॉ होता है, तो जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्मली जो भी उसका इम्पीडेंस है इनटू जो भी यहाँ पे स्टार कनेक्टेड पॉइंट है उसको ग्राउंड किया है, तो जो भी इम्पीडेंस होगा वो 3 times रिफ्लेक्ट होगा सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 3 times इसको करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है और सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है विद ग्राउंड है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि भाई पहले देखते हैं कि प्राइमरी साइड की बात करते हैं, तो प्राइमरी साइड में अगर डेल्टा कनेक्टेड है तो हमने जैसे आगे फिगर में देखा था यहाँ पे कि भाई डेल्टा कनेक्टेड हो तो इन दोनों स्विच को ही हमको ऑन ऑफ करना है। प्राइमरी, अगर प्राइमरी के साइड में डेल्टा कनेक्टेड है तो ये वाली स्विच 3 number की स्विच को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भाई प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है तो जो भी यहाँ पे जो स्विच है उसको ओपन रखना है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है नहीं प्राइमरी, तो स्टार वाली जो स्विच है स्विच नंबर 1 उसको ओपन कर लो और यहाँ पे जो स्विच नंबर 3 थी उसको क्लोज कर लो। ठीक है, बाद में क्या आता है, उसका जो भी जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस होता है उसको रखो 0.1। अब हम देखेंगे कि भाई सेकेंडरी साइड स्टार है प्लस वो स्टार पॉइंट ग्राउंडेड है, डायरेक्टली ग्राउंडेड है। ठीक है, थ्रू कोई भी इम्पीडेंस उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सी स्विच देखेंगे, यहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होती है। यहाँ पे डेल्टा कनेक्टेड नहीं है तो इस स्विच को देखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे स्टार पॉइंट डायरेक्टली यहाँ पे ग्राउंडेड है तो यहाँ पे ये स्विच हम देखेंगे। यहाँ पे जो भी, यहाँ पे ये स्विच जो हम देखते हैं, ठीक है, तो ये स्विच कौन सी होती है, 2nd number की स्विच यहाँ पे क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद में आता है एक रिएक्टेंस, तो उसको वैसे ही रखना है, वो जीरो सीक्वेंस ही दिया गया है। बाद में एक ट्रांसफॉर्मर आता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो भी स्टार कनेक्टेड है विथ स्टार पॉइंट ग्राउंडेड, डायरेक्टली ग्राउंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार पॉइंट डायरेक्टली ग्राउंडेड है और प्राइमरी के साइड में, तो स्विच नंबर 1 को हम ऑपरेट करेंगे, स्विच नंबर 1 क्लोज होगी और उसके बाद उसका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट जो भी होगा वो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे 0.07। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भी सेकेंडरी साइड भी स्टार कनेक्टेड है पर वो कोई और इम्पीडेंस के थ्रू ग्राउंडेड है। ठीक है, डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, तो जो भी इम्पीडेंस होगा वो 3 times रिफ्लेक्ट होगी सर्किट में आएगा, तो यहाँ पे 3 times करके उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, और बाद में यहाँ पे कुछ भी हमको दिया नहीं गया कि आगे क्या कनेक्शन, तो यहाँ पे हम उसको ओपन रखेंगे। तो ये जो डायग्राम बना वो जीरो सिक्वेंस का डायग्राम बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई हमको पूछता है कि भाई यहाँ पे क्या करंट फ्लो होगा, तो फिर ये इक्विवेलेंट सर्किट हम यूज करेंगे कि इसमें क्या करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब कोई बोलेगा कि भाई इस साइड में ये पार्ट में क्या करंट फ्लो होगा, जब फोल्ट होगा तो जीरो सिक्वेंस करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा।
तो उसका सीधा साधा जवाब है कि भाई यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसका रीजन है कि यहाँ पे हमने डेल्टा कनेक्टेड चीज़ यूज़ की है, उसके कारण यहाँ पे एक ओपन सर्किट आ जाती है। उसके कारण क्या होगा कि जो भी जनरेटर का जो करंट है, करंट तो जनरेटर ही जनरेट करता है, तो यहाँ से कोई करंट यहाँ पे जा ही नहीं रहा। मतलब कौन सा करंट नहीं जा रहा, यहाँ पे जीरो सिक्वेंस करंट नहीं जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिक्वेंस करंट ऑलवेज प्रेजेंट होंगे, उसके लिए उसका नेटवर्क अलग होगा। पर हम बात कर रहे हैं जीरो सिक्वेंस कंपोनेंट की, ठीक है, जीरो सिक्वेंस नेटवर्क की। तो जीरो सिक्वेंस नेटवर्क का जो करंट होगा, IA0 या कुछ भी बोलो उसको, तो वो जीरो सिक्वेंस करंट यहाँ से या इस सर्किट में कुछ भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा सिस्टम है, ठीक है। और अगर डीपली हम देखने जाए तो डेल्टा सिस्टम जब भी यहाँ पे होती है तो वो जीरो सिक्वेंस करंट होता है, वो अंदर ही अंदर फ्लो होके वो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको रिप्रेजेंट किया कि कभी भी ग्राउंड में कोई इम्पीडेंस कनेक्ट हो और जीरो सिक्वेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो 3 टाइम्स रिफ्लेक्ट होता है उसके सर्किट के अंदर, ठीक है। तो अभी हमने तीनों ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस के नेटवर्क है वो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस के नेटवर्क हमने देख लिए। एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि इफ़ वैल्यूज आर पर यूनिट, अगर आपकी वैल्यूज मतलब जो क्वांटिटी है वोल्टेज की, अगर वो पर यूनिट में है, देन फेज एंड लाइन क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड आर सेम, ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली जो वोल्टेज और करंट होता है, अगर वो नॉर्मल मतलब हमारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, मतलब हम वोल्टेज को अगर बोलते हैं कि 230 वोल्टेज है या फिर करंट कोई वैल्यू है 10 एम्पियर 20 एम्पियर, तो वो हमारी नॉर्मल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी है। पर अगर वही क्वांटिटी अगर हमने एक बार पर यूनिट में कन्वर्ट कर ली है, ठीक है, तो वो पर यूनिट कन्वर्ट करने के बाद अगर फेज और लाइन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहता, उसका मतलब ये है कि आपको वो चेंज नहीं करना पड़ता है कि फेज वोल्टेज इतना है लाइन वोल्टेज उतना है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है, वो दोनों इक्वल हो जाते हैं उस केस में। मतलब आप वो लाइन और फेज के कन्वर्जन में √3 जैसे यूज करते हो कि वी फेज इज इक्वल टू वी एल अपॉन √3, ऐसा कोई कन्वर्जन यहाँ पे यूज करना नहीं पड़ता है। ओनली फेज एंगल सी उसमें चेंज होते हैं पर यूनिट क्वांटिटीज में, ठीक है, जब आप फेज और लाइन वोल्टेज की बात करते हैं तब। और ये सिस्टम किसके लिए, पर यूनिट सिस्टम के लिए, इसीलिए पर यूनिट सिस्टम इसका ये भी एक एडवांटेज है कि हम पर यूनिट सिस्टम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो फाइनल हम आगे बात करते हैं कि भाई फॉर फुल्ली ट्रांसपोज, जैसे हमने ट्रांसमिशन लाइन देखा आगे, अगर वो फुल्ली ट्रांसपोज की गई है, ट्रांसपोज मतलब क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नल्स अगर वहाँ पे नियर बाय जा रहा है, तो क्या होगा कि ये ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। तो उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफियरेंस इसके अंदर इंक्लूड होता है नियर बाय टेलीकम्युनिकेशन लाइन, तो वो हम कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज मतलब कुछ होता नहीं उसमें, क्या होता है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे उसकी जो सीक्वेंस होती है RYB RYB, उसको हम बदल देते हैं। उसके कारण क्या होता है कि कोई एक पोर्शन में अगर वो EMF इंड्यूस हुआ है उसके कारण, तो आगे जाके उसी की अगर सीक्वेंस बदल जाती है तो वो कंपनसेट हो जाएगा, तो नेट आपको वहां पे जीरो मिल जाएगा, तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। तो अगर ट्रांसपोज लाइन है फुल्ली ट्रांसपोज, तो उसमें क्या होगा, आपका जो इम्पीडेंस होगा Z1 एंड Z2, वो क्या मिलेगा आपको, ZS-ZM दोनों इक्वल मिलेंगे, ठीक है। और उस टाइम आपका जीरो सीक्वेंस कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि आपने ट्रांसपोज कर दी है लाइन, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं आगे कि चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लाइन और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है सीक्वेंस कंपोनेंट। हम वो बात नहीं कर रहे कि वो बात नहीं कर रहे अभी हम कि भाई जो हमारा पर यूनिट सिस्टम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिक्वेंस कंपोनेंट की, कि जब पॉजिटिव सिक्वेंस वोल्टेज, नेगेटिव सिक्वेंस वोल्टेज और जीरो सिक्वेंस वोल्टेज होता है, तो उसका अगर लाइन टू फेज कन्वर्जन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।